आज हम लोग इंडियन बाइक ड्राइव 3D में बनाने वाले हैं गाइस यहाँ पर एयरपोर्ट को न्यू स्कूल एंड देख सकते हो गाइस हमारे गेम के अंदर यहाँ पर न्यू स्कूल काफी ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग दिख रहा है एंड ये काफी ज्यादा मतलब यूनिक दिख रहा है एंड इसका चीट कोड क्या है गाइस आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं लेट्स गो। तो जैसे कि आप लोगों को पता है गाइस हमारे गेम के अंदर यहाँ पास कोई भी स्कूल देखने को नहीं मिलता लेकिन आज हम बनाने वाले गाइस एयरपोर्ट को अपने न्यू स्कूल। तो चल सबसे पहले देख लेते गाइस एयरपोर्ट जाकर कि हमें यहाँ पास एयरपोर्ट में यहाँ पास स्कूल बनाने के लिए एयरपोर्ट को हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना गाइस, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना एंड प्लीज़ गाइस जल्दी से 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो गाइस प्लीज़। एंड फाइनली आप लोग देख सकते हो हम लोग पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट एंड एयरपोर्ट में देख रहे थे गाइस कि हमें इसको मतलब एयरपोर्ट को स्कूल बनाने के लिए हमें यहाँ पास क्या क्या लाना पड़ेगा। एंड यहाँ पास देख सकते हो गाइस सबसे पहले गाइस अपना जो एयरपोर्ट है गाइस ये काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है एंड इसमें देख सकते हो कितना सारा मतलब कि धूल डस्ट यहाँ पास जम चुका है गाइस यहाँ पर सारे वॉल में एंड यहाँ पास का जो खिड़की है गाइस ये भी पूरी तरह से मतलब बेकार हो चुका है आप लोग देख ही सकते हो। तो सबसे पहले तो इसके लिए हमें पेंट लाना पड़ेगा एंड पेंट बॉक्स हमें देखने को मिलेगा आप लोग देख सकते हो यहाँ पास कंटेनर वाली रैंप में। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पास जाना पड़ेगा कंटेनर वाली रैंप के पास एंड यहाँ से हम लोग अब फाइंड करना पड़ेगा गाइस यहाँ पास कलर वाली बॉक्स को। तो चलो यहाँ पास इस वाले बैकेट को जल्दी से फाइंड करते हैं एंड उसके बाद अपने जो यहाँ पास हिंदी मतलब कि एयरपोर्ट वाला है स्कूल इससे हम लोग स्कूल आज हम बना कर रहेंगे गाइस। तो सबसे पहले हमको यहाँ पास कलर वाली बॉक्स को फाइंड करना पड़ेगा जो कि यहाँ पास आपको पता ही है कंटेनर वाले रैम के ऊपर जो यहाँ पास ऊपर में रहता है। तो चलो हम लोग जल्दी से चलते हैं गाइस लेट्स को। तो यहाँ पास हम लोग देख सकते हो फाइनली वो वाले रैम स्पॉन हो चुके हैं आप लोग देख सकते हो एंड ये वाली रैम के ऊपर में ही हम लोग को देखने को मिलेगा एंड इसके ऊपर जाने के लिए हमें यहाँ पास एक जेट पैक की भी जरूरत पड़ेगी गाइस क्योंकि हम लोग इसके ऊपर जाएंगे गाइस उसके बाद ही तो हम लोग यहाँ पास पूरी तरह से हम लोग सारे मतलब कलर वाले बॉक्स को हम लोग नीचे लेके आएंगे पाएंगे यहाँ पास जेट पैक की मदद से। तो चलो आप लोग सबसे पहले ऊपर चलते हैं एंड जेट पैक स्पॉन करने के लिए हमें सिंपली यहाँ पास 330 डाल करना है एंड उसके बाद गाइस हमारे गेम के अंदर यहाँ पास जेट पैक देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो गाइस हमारे गेम के अंदर यहाँ पास जेट पैक देखने को मिल चुका है जो कि काफ़ी बढ़िया है एंड चलो आप लोग जल्दी से चलते गाइस इसके ऊपर एंड हम लोग अपने यहाँ पास कलर बॉक्स को फाइंड कर लेते हैं लेट्स गो। तो सबसे ऊपर वाली मतलब कंटेनर में हम लोग को देखने को मिलेगा तो चलो देख ही लेते हैं। एंड फाइनली आप लोग देख सकते हो गाइस हम लोग यहाँ पास कलर वाली बॉक्स को फाइंड कर दिए हैं जो कि काफ़ी बढ़िया है एंड ये फर्स्ट मतलब कि हम लोग का यहाँ पास फर्स्ट काम है ये पूरी तरह से कंप्लीट होकर रेडी है एंड मैं उसे क्या फटाफट से मैं एयरपोर्ट में पहुँचा के आ चुका हूँ गाइस अपने कलर वाले बॉक्स को। एंड वेट हमें यहाँ पास एक ब्रश को भी फाइंड करना पड़ेगा गाइस जिसमें हम लोग यहाँ पास उसके कलर कर पाएंगे अपने एयरपोर्ट में। तो सबसे पहले तो यहाँ पास देख सकते हो यहाँ पास कलर वाली ब्रश को हमें फाइंड करना पड़ेगा जो कि है विलेज वाली एरिया। तो चलो जल्दी से चलते गए इस विलेज वाली एरिया में एंड विलेज एरिया से गए हमें यहाँ पास फाइंड करना पड़ेगा ब्रश एंड उस ब्रश से गए हम लोग यहाँ पास पूरी तरह से एयरपोर्ट को कलर कर देंगे एंड उसके बाद ही गई हम लोग अपना जो यहाँ पास सारा मिशन है ऐसे प्रॉपरली जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं एंड उसके बाद आज हम लोग यहाँ पास एयरपोर्ट को मतलब प्रॉपरली न्यू स्कूल में कन्वर्ट करने वाले गए। एंड आप लोग कमेंट करके बताना गए न्यू स्कूल आपको कैसा लगा एंड चलो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पास अभी तक क्रिएट ही नहीं किए गए तो हमें सबसे पहले यहाँ पास एक ब्रश फाइंड करना पड़ेगा। चलो यहाँ पास सबसे पहले तो फाइनली आप लोग देख सकते हो गाइस हम लोग यहाँ पास विलेज एरिया के काफ़ी क्लोज है एंड अभी तक यहाँ पास देख सकते हो फाइनली हम यहाँ पास विलेज एरिया भी पहुँच चुके हैं एंड चलो यहाँ पास देख लेते गाइस कि अपना जो यहाँ पास कलर वाला बॉक्स है मतलब सॉरी गाइस कलर ब्रश है ये हम लोग को कहाँ देखने को मिलेगा जिससे गाइस हम लोग पूरी तरह से अपना जो यहाँ पास एयरपोर्ट वाला बिल्डिंग है इसे हम लोग अच्छे तरह से कलर कर सकें एंड मेरे हिसाब से गाइस ये वाली जगह पर होना चाहिए क्योंकि पिक्चर यहीं पर करता है। एंड फाइनली ये देख सकते हो हम लोग इसे फाइंड कर दिए हैं जो कि काफ़ी बढ़िया है एंड इसे भी मैं टेलीपोर्ट करा दिया हूँ गाइस यहाँ पास एयरपोर्ट में एंड इस बार देख लेते गए नेक्स्ट चीज़ कौन सी चीज़ फाइंड करना है क्योंकि हम लोग यहाँ पास सबसे पहले अब हम पूरी तरह से एयरपोर्ट को यहाँ पास स्कूल वाली कलर में कलर कर सकते हैं। लेकिन वेट हमें यहाँ पास और कुछ जैसे कि गाइस उसके लिए हमें एक बैनर भी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पास जाना पड़ेगा पेट्रोल पम्प एंड यहाँ पास स्कूल वाला बैनर हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। तो चलो जल्दी चलते हैं गाइस लेट्स गो। तो सबसे पहले यहाँ पास पेट्रोल पम्प काफ़ी क्लोज तो नहीं है लेकिन दूर भी तो नहीं है गाइस। चलो आपको दिखा दूँ यहाँ पास हम लोग थोड़ा सा स्पीड अगर इंक्रीज़ करें तो फर्स्ट टाइम ही गाइस हम लोग यहाँ पास देखने को मिल जाएगा अपना न्यू पेट्रोल पम्प एंड यहाँ पास हमें यहाँ पास सिंपली गाइस स्कूल वाला साइन बोर्ड हमें यहाँ पास फाइंड करना है एंड उस एयरपोर्ट पर हमें लेके जाना है। तो चलो देख लेते हैं सच में यहाँ पास स्कूल वाला साइन बोर्ड ऊपर में देखने को मिलेगा पेट्रोल पंप की छत पर या फिर नहीं। तो अभी तक तो मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिला लेकिन अब चलो यहाँ पास देख ही लेते हैं गाइस कि हमें यहाँ पास देखने को मिलेगा या फिर नहीं। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पास एक जेट पैक स्पॉन करना पड़ेगा एंड जेट पैक का चीट कोड आपको पता ही है 330 डाल करने से हमारी गेम के अंदर यहाँ पास जेट पैक देखने को मिलता है। एंड चलो देख लेते हैं गाइस कि अपने यहाँ पास स्कूल वाला मतलब बैनर या फिर पोस्टर ऊपर में है या फिर नहीं।
या फिर हमारे साथ स्कैम हो गया गाइस। चलो देख ही लेते हैं। तो अभी तक मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिला। लगता है गाइस वो वाला जो पोस्टर है गाइस डायरेक्टली गाइस वहीं पर हम लोग को देखने को मिलेगा एयरपोर्ट में। एंड चलो और देख लेते गाइस हमें यहाँ पर कौन सा चीज फाइंड करना है, जो कि आपस देख सकते हो। इस बार हमें आपस एयरपोर्ट मतलब न्यू स्कूल के लिए हमें एक क्लॉक फाइंड करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पास कंस्ट्रक्शन एरिया के पास। तो चलो यहाँ पास जल्दी से चलते गाइस कंस्ट्रक्शन एरिया। एंड अपना जहाँ पास जो बैनर होने वाला गाइस स्कूल वाला, ये तो हम लोग को यहाँ पास सिंपली फाइनली हम लोग को मिल चुका है। एंड मुझे वो मतलब कि एयरपोर्ट से देख कर आ चुका गाइस, वो एयरपोर्ट में ही है। मतलब गाइस उसे कौन टेलीपोर्ट कर दिया गाइस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पास जाना पड़ेगा कुछ मतलब कि यहाँ पास कंस्ट्रक्शन एरिया। एंड कंस्ट्रक्शन एरिया से गाइस हम लोग को सिंपली यहाँ पास लेकर आने बड़ा सा वाला एक क्लॉक। एंड वो वाली क्लॉक को गाइस हम लोग अपने न्यू स्कूल में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलो आप लोग फाइनली आप लोग देख सकते हो हम लोग यहाँ पास कार शोरूम तो पहुँच चुके हैं। एंड इसके सामने हम लोग को देखने को मिलेगा कंस्ट्रक्शन एरिया। एंड यहाँ पास भी हम लोग पहुँच चुके हैं। एंड चलो यहाँ पास जल्दी से यहाँ पास क्लॉक को यहाँ पास फाइंड करते हैं, लेकर चलते हैं गाइस अपने एयरपोर्ट। एंड एयरपोर्ट से हम सीधा हम लोग यहाँ पास मतलब बड़े से क्लॉक को गाइस हम लोग यहाँ पास सीधा लगा देंगे मतलब कि वॉल पर। उसके बाद गाइस प्रॉपरली अपना जो आपस न्यू स्कूल है यहाँ पास पूरी तरह से रेडी हो जाएगा एंड काफ़ी बढ़िया लगेगा। तो चलो सबसे पहले ऊपर चलते हैं। एंड ये वाला लिफ्ट देख सकते हो गाइस काफ़ी इंक्रेजिंग है, मतलब सच बताओ तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। एंड मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है ये वाला लिफ्ट। एंड ये वाला लिफ्ट आपको कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताना। एंड इसको बनाने के लिए गाइस आपको कुछ भी नहीं करना, आपको यहाँ पास P11 से गाइस आरजी स्टूल में एक प्रॉप्स स्पॉन करना है। एंड उसके बाद आप क्या क्या करना है, आपको सिंपली MOD मोड को ऑन कर लेना है, MODON। उसके बाद यहाँ प्रॉप्स में सिंपली आप लोग देख सकते हो फाइनली गाइस ये वाली मैंने क्लॉक को फाइंड कर दिया, जो कि काफ़ी बढ़िया है। एंड चलो इसे मैंने टेलीपोर्ट करा दिया फाइनली। तो चलो जल्दी से चलते हैं गाइस अब नीचे। एंड उसके बाद देखेंगे गाइस कि अब तो हम लोग को कुछ नहीं करना गाइस, हमें यहाँ पर सीधा जाना पड़ेगा एयरपोर्ट। एंड एयरपोर्ट से गाइस अब हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, हमारा सारा काम यहाँ पर कंप्लीट होकर रेडी है। एंड जाकर सिंपली हमको यहाँ पर पूरी तरह से एयरपोर्ट को पेंट करना पड़ेगा। एंड पेंट करने के बाद गाइस वो क्लॉक को लगाना पड़ेगा, एनी वाला स्कूल वाला साइन बोर्ड लगाना पड़ेगा। एंड उसके बाद गाइस पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद काफ़ी बढ़िया लगेगा। तो चलो जल्दी से चलते हैं गाइस, लेट्स गो। तो अपना जो यहाँ पर पल्सर आर स्टूडेंट है ये यहाँ पर आ चुका है। एंड यहाँ पर हम लोग को सिंपली जाना गाइस मतलब हम लोग के एयरपोर्ट, क्योंकि इस एयरपोर्ट में स्कूल इसलिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि इस अपना जो यहाँ पास एयरपोर्ट है ये काफ़ी दिनों से गाइस खाली पड़ा गाइस, इसका जो प्लेन है ये मतलब कि चलते ही नहीं। तो इसलिए गाइस यहाँ पास मैंने स्कूल मतलब बनाने की यहाँ पास कोशिश की है। तो चलो देखते हैं इसके मैं स्कूल बना पाऊँगा या फिर नहीं। लेकिन वेट भाई, अपना जहाँ पास बाइक ये कहाँ जा रहा है भाई, मतलब मैं गलत डायरेक्शन में आ गया, यहाँ पास यहाँ नहीं जाना गाइस, हमें यहाँ पास जाना है एयरपोर्ट। एंड एयरपोर्ट तो यहाँ पास से काफ़ी क्लोज है गाइस, अगर यहाँ पास से मैं अगर सीधा चलूँ तो हम लोग यहाँ पास सामने ही हम लोग को देखने को मिलेगा अपना जो एयरपोर्ट है, क्योंकि ये काफ़ी क्लोज है। तो चलो देखते हैं गाइस कि हमें यहाँ पास एयरपोर्ट सच में जल्दी से देखने को मिलेगा। यहाँ पास जल्दी से देखने को नहीं मिला, लेकिन कुछ समय बाद हम लोग यहाँ पास पूरी तरह से प्रॉपरली यहाँ पास एयरपोर्ट हम लोग को देखने को मिलेगा। एंड देख सकते हो फाइनली हम लोग एयरपोर्ट के यहाँ पास जो आपस बेरियर इसे पूरी तरह से देख पा रहे हैं। एंड इसे हम लोग पूरी तरह से गाइस ये पूरा देख पा रहे हैं। एंड फाइनली हम लोग यहाँ पास एयरपोर्ट में एंटर भी कर दिए। एंड चलो गाइस प्रॉपरली इसे मैं जल्दी से पेंट कर देता हूँ, इसमें यहाँ पास पूरी तरह से कलर भी कर देता हूँ। एंड यहाँ पास सारा क्लॉक व्लॉक लगा के आपको चलो दिखाता हूँ गाइस, लेट्स गो। तो फाइनली गाइस यहाँ पास पूरी तरह से पेंट करने के बाद यहाँ पास साइन बोर्ड भी लगाने के बाद स्कूल वाला काफ़ी मस्त तरीके से दिख रहा है गाइस। एंड ये कमेंट करके बताना गाइस ये स्कूल आपको कैसा लगा। तो आज के लिए इतना गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।